तो दोस्तों आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं भाई विंडोज 7, मतलब इतनी पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, 2009 में आया था पर आज की डेट में भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा आज इसके बारे में यार अच्छे से खोल के बातें करने वाले हैं, क्यों इतना पॉपुलर रहा और भाई अगर आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो तो क्या डिसएडवांटेज आप फील कर पाओगे या क्या आप यूज़ कर सकते हो, सेफ रहेगा, फास्ट चलेगा, क्या रीज़न है, क्या कुछ है, सब कुछ पता चलने वाला। स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो यार चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, विंडोज 7 अपनी यार 2009 में इंट्रोड्यूस करी गई थी और मेरे हिसाब से एक्सपी के बाद, मतलब एक्सपी जो विंडो एक्सपी था उसके बाद यार विंडोज 7 ही बहुत ज़्यादा, मतलब बोला जाए ना, एकदम हाइप क्रिएटेड और एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया था जिसपे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। एकदम नए नए यूआई की तरह आया था, बहुत सारे ऐप इंट्रोड्यूस करे गए थे, फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए थे जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ थी यार विंडोज 7 के साथ जो अपने टाइम पर कूल ही था। अब विंडोज 7 के बाद विंडो 8 भी आया पर वो इतना यार प्रचलित नहीं हुआ, उसमें टाइल्स वाला डिज़ाइन था, याद होगा आपको, पर लोगों को इतना पसंद नहीं आया, एकदम अलग टाइप का था। वैसे विंडो 8.1 जो है ये सब आए थे, इनके तो एंड्रॉइड डिवाइस में भी आता था टैबलेट, आपको याद होगा, पर चलो ये तो पुरानी बातें हो गई। फिर विंडो 10 यहाँ पे देखा जाए तो विंडो 7 के बाद एक अच्छा रहा। अब विंडोज 11 का अपना देखते हैं क्या होता है। अब देखो विंडो 7 यार अपनी एक्सपायर कब हुई है, 2020 में। यस भाई अभी 2021 चल रहा है, पिछले साल ही एक्सपायर हुई थी और जब एक्सपायर हुआ था तो काफ़ी चला था यार, सदमा उतमा लगा लोगों को, काफ़ी लोग उदास भी रहे थे और रिसेंटली तो इसकी यार कुछ जो फाइल्स होती हैं वो लीक भी हो गई थी जिसके कारण एक दिक्कत विक्कत रही थी। अब आज के डेट में क्या है ना, विंडोज 7 अवेलेबल है, इवन आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना ऑफिशियल वाली, वहाँ पे भी आप इसलिए इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, मतलब ये यार आपको बहुत सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी के टाइम पे भी ठीक है, इवन मैं तो बोलूँगा अगर आपका 2 GB 4 GB रैम है तो हाँ आप बोल सकते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सही है जो ये चीज़ें चला पाएगा। देखो विंडो 10 और विंडोज 11 में एड्स का बड़ा चक्कर है पर इसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन और एक समझ सकते हो सोर्स वोर्स इसके जो है ना बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। पर अब दिक्कत क्या है ना इसके साथ, देखो सबसे पहली दिक्कत है सिक्योरिटी का। आप कितना भी पीसी यूज़ कर रहे हो, कोशिश करोगे ना अपने पीसी को हैकिंग ये सब चीज़ें वनरेबिलिटी इन सबसे बचाने की, कोई यार कहीं से आपका डेटा निकाल ना ले, चुरा ना ले, तो इसके लिए फिर भाई आप विंडोज 7 से आपको दूर हटना पड़ेगा क्योंकि ये यार इसका सोर्स भी जानते हो आप, लीक हो गया था। अब क्या बोल सकते हैं भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं पता है। मतलब जिसको अपडेट रेगुलर मिलते हैं ना, या विंडो डिफेंडर को ही आप देखते हो हर मंथ हर वीक कभी कभार इमरजेंसी अपडेट देते रहते हैं विंडोज वाले, विंडो 10 और विंडोज 11 पे, और यही 7 का हाल देखो कुछ भी नहीं, मतलब कभी कदार कुछ आया एकदम खतरनाक टाइप का तो दे देते हैं पर वैसे नहीं है, तो अपडेट में आप बहुत पीछे रह जाओगे ये तो आप जानते हो। सेकंड क्या है ना मेजर इशू जो मैंने फेस किया है, मैंने क्या किया था अपने एक सिस्टम में लगाया था विंडोज 7, अभी रिसेंटली की बात करूं बहुत सारे एप्लीकेशन रन ही नहीं होते यार, दिक्कत की बात यही आ जाती है। मतलब एक समय के लिए हम सोच भी सकते हैं हम ऑफलाइन ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, पर नए जितने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना काम नहीं होएगा। मतलब यार जिस चीज़ के लिए हमने पीसी डाला है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें यार समझ आता है प्यार व्यार है, पर हम यार उस क्या करेंगे उसमें काम ही नहीं चल पाएगा, उसको देखते थोड़ी बैठ के रहेंगे, हाँ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है दोस्तों को ब्लॉग देखो भाई क्या अच्छा है, उसमें गेम वेम खेल के दिखाएंगे ना। तो यही थर्ड पॉइंट है भाई, गेमिंग के अंदर भी बोल सकते हो, अब कोई सवाल नहीं बनता है यार, विंडो 10 विंडोज 11 आपको गेमिंग के लिए इतने अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको इनबिल्ट मिल रही है, इवन अपने आप सिस्टम को अच्छे से चला पाओगे, तो वहाँ यार विंडो 7 की कोई जगह नहीं बनती है मेरे हिसाब से यार गेमिंग में, यार विंडो 10 बेस्ट रहेगा या इवन विंडोज 11। और लास्ट तो भाई यही बोलूंगा, लोगों को यार नए डिज़ाइन नया लुक यूआई पसंद आता है, नए ऐप्स पसंद आते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करने में मज़ा आता है, क्यों लोग विंडो 10 से विंडोज 11 पे आए, फीचर्स है ना, तो वो चीज़ें आप यार डीग्रेड कर रहे हो, मतलब फीचर्स से लोग जा रहे हैं और आप पीछे जा रहे हो, तो ये एक यार दुखी की बात रहेगी। बाकी ये तो ओवरऑल सीन था, अगर आप इन सबसे अगर थोड़ा बचा बुचो हो तो यार आप बिल्कुल विंडोज 7 पे जा सकते हो, इवन माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो ISO, और बाकी तो फिर आप रिफ्यूज से सेट करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये विंडोज 7 का सीन है इस समय का, अब आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं वो तो जरूर आप कमेंट में बताना। अच्छा चलो यार लास्ट में अलविदा कहते हैं विंडोज 7 को, पर एक फन फैक्ट के साथ, फन फैक्ट ये है कि भाई विंडोज 7 जो है ना अभी तक का बोल सकते हो सबसे ज़्यादा सोल्ड होने वाला, 240 मिलियन, यस भाई मिलियन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 240 मिलियन इसकी कॉपी सोल्ड हुई टोटली, मतलब अराउंड 7.6 कॉपीज पर सेकेंड, दैट इज हिलोरियस भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ये तो है यार विंडो 7 अपने टाइम में अलग ही लेवल पे थे और 2020 तक रही है, उसके बाद बस इसका सब सोर्स वोर्स लीक होने लग गए, अब तो यार बहुत ज्यादा खुल गई है, मतलब खोल दिया लोगों ने, ठीक है। तो ये यार आज की वीडियो में था, सोचा यार काफ़ी लोग आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं विंडो 7, जरूर बताना यूज़ कर रहे हो, शायद थोड़ा सा अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब आप ही के लिए, हाँ हाँ आप ही के लिए अरे दबा दो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।